हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आई क्यू वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र कुमार तो आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी के बारे में 2020 जो आईबीपीएस ने मोस्ट अवेटेड वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए हेल्पफुल होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो आई ने आप देख सकते हैं आई पी क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन 2020 ट्वेंटी इम्पोर्टेंट डेट्स इस जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इस नोटिफिकेशन में मैं आपके लिए वो यहाँ पे लेके आया हूँ और आप यहाँ से देख पाएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जैसे कि आई क्लर्क 2020 नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई वो कब रिलीज़ हुई फर्स्ट सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ हुई और आई क्लर्क ऑनलाइन अपलिकेशन फॉर्म लिंक जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है सेकेंड सेप्टेम्बर से हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आई बी क्लर्क एग्जाम वो ट्वेंटी दिसंबर जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप आई क्लर्क फॉर्म आई के क्लर्क के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो तेईस सेप्टेम्बर तक ये डेट है जब तक जिसके लिए आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन जो ए, फीस ड्यूरेशन होगा जो आप पे कर सकते हैं वो सेकेंड सितंबर से ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर दो के बीच में कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग अप्लीकेशन वो ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर है जैसे ही आप कंप्लीट प्रोसेस जो एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे पेमेंट जब कंप्लीट करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा आई बी पी एस क्लर्क जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कब होगा वो होगा फिफ्थ ट्वेल्थ एंड थर्टीन ऑफ दिसंबर को होगा आई बी पी एस क्लर्क मेन्स एग्जाम कब होगा वो ट्वेंटी जनवरी टू को होगा अब इसमें कुछ नए जो अदर फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे आई अगर हम इंटरेस्टेड हैं क्लर्क वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए तो कैसे अप्लाई करेंगे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आई क्लर्क टू एग्जाम तो इससे पहले जो पहला स्टेप है हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा जैसे कि आप देख रहे हो ट्रिपल डब्ल्यू जब इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें सर्च फॉर ऑप्शन अपेयरिंग ऑन योर स्क्रीन क्लिक हीयर टू आई क्लर्क फॉर्म जैसे वहां पे स्क्रॉल डाउन जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे जैसे जाओगे तो वहां पे बहुत सारे लिंक स्क्रॉल डाउन होंगे उसमें से वन ऑफ द आई बी क्लर्क का लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप जाओगे क्लिक करोगे तो या तो आप रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है फिल अप द डिटेल्स केयरफुली फॉर पोस्ट नेम स्टेट वैकेंसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोबाइल नंबर ई मेल एंड सिक्योरिटी कोड जैसे ही आप सारा डिटेल फिल करेंगे आपको नेम फिल करना पड़ेगा स्टेट वैकेंसी फ़िल करनी पड़ेगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा मोबाइल नंबर फिल करेंगे ईमेल आईडी फिल करोगे तो उसके बाद उस सिक्योरिटी कोड भी आपको डालना पड़ेगा उन सबका सबमिट द अप्लीकेशन फी एज़ पर योर कैटेगरी एंड डाउनलोड द ई रिसिप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस जैसे ही आप सारा चीज़ ये जैसे आई बी के वेबसाइट पे जाओगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे सारी डिटेल फिल करोगे उसके बाद जैसे ही आप डिटेल फी करने के बाद आपको पास एक ई रिसिप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपके पास एक ई रिसिप्ट ई रिसिप्ट जनरेट होगा जो आप फ्यूचर के लिए रख सकते हो द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ई मेल आई एंड मोबाइल नंबर जो भी आप मोबाइल नंबर या ई मेल आई डी वहाँ पर रजिस्टर करेंगे उसमें उसी मोबाइल नंबर पर या ई मेल एड्रेस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आई बी पी एस सेंड कर देगी एंड देन डाउनलोड द अप्लीकेशन फॉर्म एंड राइट डाउन योर पासवर्ड एट सेफ प्लेस एज यू विल नीड इट लेटर अगर आपने वो फॉर्म फिल कर लिया है आपके पास वो ऑलरेडी आई बी पी एस ने आपके ई मेल पर अगर आई डी आपको भेज दिया है तो आप उसे सेफली रख सकते हैं ईमेल पे रख सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस वेबसाइट पे ट्रिपल डब्ल्यू डॉ आई पी एस डॉट कॉम पर जाएंगे तो आपको कैसा ऑप्शन दिखेगा और कैसे आपको फिल करना है जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखा है आप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग आई बी पी एस का ये वेबसाइट है यहाँ पे देखिए ये लिंक स्क्रॉल डाउन हो रहा है ये लिंक आप में मूवमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट तो इसमें इस, इस पर जाना है आपको क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क एक्स जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आप ये स्पेज पे आ जाओगे इस पेज पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो पहले से तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और ये सिक्योरिटी कोड डालना है आप सबमिट करोगे आप एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर जाओगे उसमें अगर आपका कोई डिटेल पेंडिंग है तो आप डिटेल फिलअ करोगे बैंक्स के चॉइसेस फिल करोगे एंड देन फाइनल सबमिशन करोगे एंड उसके बाद पेमेंट के लिए 23rd, आप ट्वेंटी थर्ड जैसे एप्लीकेशन आप फाइनली सबमिट करते हो आपको ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर तक पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा तो जैसे जो इंपॉर्टेंट डेट है कमिसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलीकेशन वो दो नौ दो बीस से है क्लोजर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन ट्वेंटी थर्ड नो मतलब तेईस सितंबर को है क्लोज़र फॉर एडिटिंग ऑफ अप्लीकेशन डिटेल आप तेईस नो no, मतलब तेईस सितंबर तक ही अगर कोई चीज़ को चेंज अगर सपोज आज आप फिल करते हो और आपको लगता है कि कोई चीज़ चेंज करना है तो आप तेईस तक ही तेईस सितंबर तक ही उसको चेंज कर सकते हो लास्ट डेट टू प्रिंट योर अप्लीकेशन वो भी तेईस नवंबर तेईस सितंबर को ही है और ऑनलाइन फी पेमेंट का जो आपका डेट है वो दो नवंबर दो सितंबर से तेईस सितंबर के बीच में है दो नौ दो हजार बीस से तेईस नौ दो हजार ये है आपका जो मैंने अभी स्टेप बताया ये ये सारा स्टेप ये मैं आपको यहां पर दिखाया ये ऐसे इस जगह इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इस तरह कंप्लीट ये प्रोसीजर फॉलो करना है इससे आप ऑनलाइन अप्लीकेशन को फिल कर पाओगे नेक्स्ट बात पे हम लोग बात करेंगे जो है आई बी पी एस क्लर्क अप्लीकेशन फ़ी आई बी पी एस क्लर्क अपलीकेशन फ़ी कितनी है तो अप्लीकेशन फ़ी इंटीमेट चार्ज दैट आर पेएबल फ्रॉम दो नौ दो हज़ार बीस टू तेईस नौ दो हज़ार बीस बाई ऑनलाइन पेमेंट ओनली सेल बी एज फॉलो जो एस टी एस टी पी डब्ल्यू बी डी ई एक्स एस एम कैंडिडेट हैं उनको वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ इंक्लूडिंग जी एस टी ये पे करना पड़ेगा और जो अदर हैं जैसे कि ओ बी सी और जनरल उनको आठ सौ पचास रुपये पे करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को फिल करने इस एप्लीकेशन में आई बी पी एस क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए ये आपके चार्जेस लगेंगे अब बात करते हैं स्टेट वाइज आई बी पी एस क्लर्क वैकेंसीज की तो जैसे कि आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार में जीरो वैकेंसी है जो भी बैंक्स वहाँ हैं आई के अंदर में उन उनके पास कोई भी तरह का वैकेंसी यहाँ पे इस स्टेट में अवेलेबल नहीं है आंध्र प्रदेश में दस वैकेंसी हैं जो भी बैंक्स आई के साथ टाइप हैं वो आंध्र प्रदेश में सिर्फ दस वैकेंसी लेके आई हैं अरुणाचल प्रदेश एक वैकेंसी असाम सोलह वैकेंसी बिहार छिहत्तर वैकेंसी चंडीगढ़ छः वैकेंसी चन छत्तीसगढ़ सेवन वैकेंसी इसी तरह करके जो अभी हाईएस्ट वैकेंसी मुझे दिख रहा है अभी तक यहाँ में वो है गुजरात एक सौ उन्नीस वैकेंसी और आगे जब हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे तो झारखंड में पचपन वैकेंसी है और इस लिस्ट में जो अभी फिर हाइस्ट यहाँ दिख रहा है वो महाराष्ट्र तीन वैकेंसी उसके बाद जो हाइस्ट वैकेंसी दिख रहा है वो पंजाब एक वैकेंसी बाकी एक ऑन एन एवरेज किसी का अड़तालीस इस तरह है उसके बाद फिर किसका दिख रहा है मुझे उत्तर प्रदेश एक वैकेंसी जो भी आई के साथ टाइप बैंक है उनका ये वैकेंसी है अपने स्टेट वाइज और ओवरऑल वैकेंसी कितनी है पंद्रह सौ संतावन जो टोटल वैकेंसी है इसमें से जो मुझे लग रहा है वो सबसे टॉप जो वैकेंसी के मामले में वो महाराष्ट्र है जिसमें आपको तीन सौ चौंतीस वैकेंसी इस बार लेके आई है आईबीपीएस के थ्रू तो ये था कंप्लीट मतलब कि कितने वैकेंसी किस बैंक किस स्टेट में है आई का और मैंने आपको डिस्कस किया कि कैसे इसको फिल करना है और वेबसाइट भी दिखाया मैंने आपको अब आते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो आई ने रिलीज़ करी है मैं उससे उस, उस पर डिस्कस करूँगा ये देखिए आई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ देख सकते हो ये कंप्लीट पीडीएफ है जो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करे हैं इसमें आपका दो हज़ार -20 की ये क्लर्क एस सी आर पी क्लर्क एक्स फॉर वैकेंसीज दो हज़ार इक्कीस बाईस की वैकेंसी है इसमें ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी हुई है अब यहाँ पे आगे क्या डिस्कस करेंगे देखिए जो इसमें पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है तो वो बैंक ऑफ बरोडा है जैसे स्टेट वाइज जो वैकेंसी रिलीज अभी आपको आपको मैंने दिखाया उसमें जो हर स्टेट में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो कौन कौन है बैंक ऑफ बरोडा है केनरा बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक है यूको बैंक है बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है पंजाब नेशनल बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इंडियन बैंक है पंजाब एन सी बैंक है इन सभी बैंकों ने ये वैकेंसी रिलीज़ की है जारी करी है आई के थ्रू जो ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे अभी ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये टेंटेटिव डेट्स डिस्कस कर लिया है अब आगे बढ़ते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात आती है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस करेंगे तो आपको एक इंडियन सिटीजनशिप पे बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होंगे ए सिटीजन ऑफ ए इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ ए नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ ए भूटान इनमें से अगर आप कहीं के भी सिटीज़न है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या है तो एज क्राइटेरिया मिनिमम ट्वेंटी इयर्स और मैक्सिमम ट्वेंटी एट ईयर्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एक नौ दो हज़ार बीस से शुरू होता है और आप बीस साल से नीचे हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं हैं अगर आप बीस साल से ऊपर हैं और अट्ठाईस साल के अंदर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं अगर आप अट्ठाईस साल से ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं अब बात करेंगे हम लोग जो एज रिलैक्सेशन है विद कैटेगरी वाइज तो आप देखिए जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइव है उनको फाइव ईयर एक्स्ट्रा एज एज का रिलैक्सेशन है अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको तीन साल का है एक्स सर्विस मैन या डिसेबल एक्स सर्विस मैन उसको आप देखोगे कि जो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द दे डिफेंस फोर्स प्लस थ्री ईयर्स एट ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन तीन ईयर थ्री इयर्स प्लस एट इयर्स डिसेबल फॉर एक्स सर्विसमैन ये सारे जो फैसिलिटी है एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई है और विडोज डाइवोर्स एलिजली सेपरेटेड फ्रॉम हिज से हजबेंड हु आर नॉट उसके लिए नाइन ईयर का रिलेक्सेशन है पर्सन अफेक्टेड बाई नाइनटीन एटी फोर राइट उसके फाइव ईयर के रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन कैबिनेट फैक्ट कार्बाइड फैक्ट्री उनके लिए है आपका फाइव ईयर का तो ये एज रिलैक्सेशन की बात है अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इसमें डिस्कस करना चाहूँगा ये सारे चीज़ तो मैंने डिस्कस कर दी रिजर्वेशन पर्सन विद बेनिफिट डिसेबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ का एक अपना रिजर्वेशन है और ये सारे चीज़ तो आप खुद ही देख लोगे नोटिफिकेशन पे इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है अब देखिए ई के लिए भी रिजर्वेशन है इसमें जो भी गवर्नमेंट ने मतलब हमारे गवर्नमेंट ने जो भी अपने आ, जनरल भाई बंधु हैं अगर वो लो इनकम वाले हैं तो वो भी उनके लिए भी रिजर्वेशन है अब यहाँ बात करेंगे देखिए प्रीलिम एग्जाम्स के जो एग्जाम्स होंगे वो क्या होंगे इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्टी रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्टी फाइव रहेगा रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्टी रहेगा टोटल हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे विथ हंड्रेड मार्क्स आप इसमें टाइम भी देख सकते हैं बीस मिनट बीस मिनट बीस मिनट और टोटल सिक्सटी मिनट एक घंटे का पेपर होगा ये प्रीलिम्स का ये प्रीलिम्स का है अब मेंस का स्ट्रक्चर हम बात करेंगे जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पचास होंगे और मार्क्स पचास होंगे ये थर्टी फाइव मिनट का होगा जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा चालीस मैक्सिमम मार्क्स चालीस और उसमें मिनट थर्टी फाइव रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पचास क्वेश्चन रहेंगे जिसमें साठ मिनट मिलेंगे उसका मार्क्स साठ मार्क्स रहेंगे उसमें पैंतालीस मिनट मिलेंगे आपको क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 50 जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स रहेगा वो 45 मिनट लेगा टोटल 160 मिनट 160 मिनट का पेपर होगा 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होगा तो ये पैटर्न है मेंस और प्रीलिम्स का ओके okay, फ्रेंड्स तो नेक्स्ट चीज़ पे जो हम बात करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको जो है आपको आपके फोटो यहाँ पर लगेंगे वो भी स्कैन कॉपी आप रख लेना अपना फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड करने की जरूरत अपलोड करना पड़ेगा इसमें आपको अब देखिए यहाँ पे बात करें हाउ टू तो अप्लाई अप्लाई करने से पहले आपको क्या एक चाहिए एक फोटोग्राफ चाहिए फोर इंटू फाइव सेंटीमीटर इंटू थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो कि बीस से पचास के के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर चाहिए आपका लेफ्ट हम इंप्रेशन चाहिए जो अपलोड करनी पड़ेगी सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ये चीज को ध्यान रखना है आपको और नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फीस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया फोटोग्राफ्स जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दिया डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करने हैं वो है क्या है फोटोग्राफ्स जो भी बताया मैंने आपको सिग्नेचर लेफ्ट थर्म इंप्रेशन ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी है ज़रूरत है इसमें ठीक है मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा जैसे ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट कंप्लीट करेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने पूरे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के लिए और उसको सेव करके रखने के लिए अपने इन फ्यूचर जब भी एग्जाम आपको देंगे तो उस समय वो आपको आई जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको उस आप कंप्लीट जब आप डाउनलोड करोगे तो उस फॉर्म पे मेंशन रहेगा तो ये था कंप्लीट आप देखिए जैसे जो लास्ट बात थी जो स्टेट बैंक वाइज जो वैकेंसी आई के थ्रू डिक्लेयर की गई वो मैंने आपको उस चार्ट में बता दिया ताकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि किस बैंक मतलब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और किस बैंक ने कितनी कितनी सीटें यहाँ पे दी है आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे बैंक ऑफ बड़ोदरा ने एस सी एस टी ओ या ई डब्ल्यू एस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर जो अदर ई एक्स है डी एक्स ई एक्स है डी एक्स है या वी आई या ई है उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अलाउ करी हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है बैंक ऑफ इंडिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो ऑलरेडी मैंने आपको एक कैटेगराइज फॉर्म में वहाँ बता दिया है कि किस बैंक ने कित किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है आपको इसमें पूरा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो बस वो देख लेना कि किस कैटेगरी में कितनी सी वैकेंसी कितनी वैकेंसी आई हुई है और टोटल कितनी वैकेंसी है तो इस तरह में आपको पूरा एक एक चीज़ देखने की जरूरत नहीं है आप टोटल वैकेंसी काउंट कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है तो ये था कंप्लीट आई नोटिफिकेशन जो क्लर्क का था वो मैंने एनालिसिस कर दिया आपको और पाथवे भी बता दिए कि कैसे इसको अप्लाई करना है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बस गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन से जितने भी वीडियो मैं डालूँ आपको उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए थैंक यू हैव ए गुड डे थैंक यू बाय बाय